फिर यहाँ बैठी गोशे फोड़ लग रही, चलना ना आके खेत में। तभी चले जाओ खेत पर, को मैं रोटी टुकड़ा करवाऊं कुछ। बहुत अभी उठी ना सो के। मुंडा लगा मुंडा? इसे ठाले जोड़ सा मुंडा लगा रहा आयु। जीतो सा करे पता के बोल रहा आयु, सच्चे के नंबर बोल रहा आयु। जीतो सा करे इसकी नाइट पे टेक दूं मैं। सट्टे के नंबर ना बोल रहा मुंडा, मुंडा बोल रहा, मुझे लग रहा है इसे गलत सपना दिख रहा कुछ। अजी गलत सपना दिख रहा है इसे, सट्टे तो ना रहा कुछ दिखता ही ना। सट्टे के नंबर हो ऐसे मुंडा मुंडा कर रहा है। और जूते पहन के सो गए, पैंट पहन रहा। जी तो सकरे कुछ मत काट दीजिए, बस रहन दे रहन दे। देख की ढाल हो जा सुसन के हुन्ना रे गंडा सताणो खड़ा। गंडा से किंगे को फूंक दर, चला जा खेत पर जा। ये क्यों सोते उठा रहा उसे? मैं जाऊं किसी से टेल लिखूं वो बतावेगा सपने भी सट्टा चल रहा। मैं मतलब की बात करे जा। तेरे लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया। तेरे कमखत के लग गया तने तो मैं डरा दी। अरे माँ के बताऊं, जो नंबर बैठगा ना तो तड़की 1,00,000। अरे के लंबर लंबर कर रहा तू, मेरी तो समझ में आ रही ना कुछ के गा रहा तू। खड़ा हो जा ऊपर को डांगरों का यार, फूस कर उठ जा। अरे माँ तेरी समझ में ना आवे कुछ भी, मैं तो चला। अरे मेरे बस की ना डांगरों का यार करना, कह दे पिताजी अपने आप कर लेगा सारे काम, पिताजी कर लेगा, तू मत कर लिया कुछ हराम खोर। कोई हत ना आएगी, कहाँ गए सब लोग? दीदी 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 दीदी, कहाँ गए हैं सारे? अरे कैसे देख के ही चल ले, दीदी दीदी करती आ रही है। मैं देख के चल रही हूँ। कैसे आई है? पैरों से आई हूँ। तो मुझे दिख रहा तू पैरों से आई है, पर इतना बड़ा बैग कैसे लाई? रहने को आई हूँ। तू यहाँ रहोगी भी? हाँ रहूंगी, दीदी का घर है। अभी तो आई है, आते तो तन्ने कुल्ला तोड़ दिया, आगे पता ना किसके तोड़ेगी। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। दीदी दीदी, अरे आरती कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू बता? मैं भी ठीक हूँ। चल अच्छा, अब तू आ गई ना, मेरा भी मन लग जाएगा। और घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और बता, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं तुझे? नहीं। चल ठीक है, आजा बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। अरे मेरी बना दियो। हाँ हाँ देवर जी बिल्कुल बना दूंगी आपके लिए भी चाय। ध्यान जरा क्यों अब इसका अटैच ले आना। अटैच भी हम लाऊंगे। अरे ले जाए से। ये ले चाय पी ले तू। ठीक है, आप भी ले लो। हाँ ले रही हूँ, ये ले। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। आपको आ गई चाय बनानी है? हाँ अब तो सीखनी पड़ती ना। भाई साली। जिया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इनको नमस्ते कर रही है? इन्होंने मेरा पूरा जन्म दुखी कर रखा है, सुनते नहीं मेरे बिल्कुल भी। क्या कह रही है तू? जुबान संभाल कर बात करिए। तेरी बहन की शर्म न करने का हूँ मैं, बता रहा हूँ। अरा पिताजी पूछे कह दिया आए चले गए, अभी आऊंगा थोड़ी देर में। इसके पेट में भर दे तने, भूखी आई होएगी घर से। प्यारिया चाय मजा यहाँ ठा गया बाबू, समझ लिया? अगर एक भी बात कह दी तन्ने इससे बता रहा हूँ। आरती देख रही है ना तू अपने जिया जी को, कितना उल्टा सीधा बोलते हैं मुझको और कितनी बदतमीजी से पेश आते हैं मेरे साथ में। अब तो हद ही हो गई है, मैं तो सोच रही पिताजी को खोल करके सब कुछ बता दूं। मेरी हद हो गई, अब मुझसे सहा नहीं जाता। और पिताजी भी देख
पूरे दिन इनको डांटते रहते हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ता। अब तो मैं तंग आ गई हूँ इनसे। कोई बात नहीं दी, जीजा ने भी पी रखी है ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। उतर जाएगी, सब सही हो जाएगा। नहीं आरती, ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। दीदी आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं पापा जी को फोन कर दूंगी, वो आ जाएंगे। है मानसू कहाँ से आया भाई? और बीरपाल के हाल है? ठीक है भाई। रेवेन्यू कह रहा सट्टे का कौन सा नंबर आया? मुंडा दो। मुंडा दो आया? चल ठीक है। और कोई दिक्कत तो ना है? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मत मानिए, मेरा बाप ही है जो मुझे दुखी कर रहा है। ठीक है, नहीं तो साले के सल बैठा दूंगा। ठीक है, चल तो ठीक है, निकल निकल। अरे स्कूल ना जा रहा तू आज? आज मेरा जीना जीना। अरे लग जा जी में आग है। अरे उत्ते हो, एक के तो फेरे फिर गए नुई, तेरे ना फिरने के, कुछ पढ़ लिख के बन ले। अरे फेरे फिर जाओगे, तू बैठी जब तक। किसी की लोंडिया ऐसी ला दूंगी पकड़ के, तू बैठी जब तक। बना रहा मुंडी सिकल कोई से तो पढ़ लेंगे, एक दिन ना जाओगे कुछ बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। कूद अपना ही करू, गलमू को अंडे कर धक्के खाता। के कह रही थी तू? मेरी समझ में ना आ रहा कुछ? जी बाबा का तेरी समझ में, जी सारी कड़ी रख की ईंट बिकलेगी। इसके दो नहीं मारे गए तेरे पे, हाँ बैठा रखे सिर पे। ओए पूछिए खड़े हो, कंधे पे हाथ मार के बता रहा इतना तू बैठी बहू? आज बहू ही बिखरी मार्केट में कहीं। वो कहाँ है सटेल? बाहर कोई गया उठ के ना बाप, अभी तो आया ना। नंबर जा रहा के बुजन, यही खड़ा रहेगा के? यहाँ जा यहाँ जा यहाँ जा। रे पिताजी। हाँ। मैं तेरे तक कहीं नहीं, मगर नंबर लग गया 1,00,000 रुपए शुद्ध हो गए। नंबर में लगा हुआ नंबर। अरे मां बता ले, मर जा। के नंबर लग गया बताइए एक बार। मेरा जन्म दुखी इस घर में। अरे एक को बैठ जा, पिटे भी चैन नहीं आता तुझे भी। बेशरम हो रहा है तो पक्का है, इसका ना लगे एक भी। लगेगी इसका, एक पैक और दे गरम से पानी में। दे दे दे। मां पिताजी का शरम नहीं है बिल्कुल भी, जवान बेटे पे हाथ ठा रहे हैं ये। तेरे शरम है नालायक, तेरे शरम है तू पी का आया समूथ को। तेरे लिहाज है ठीक लगी तेरे में चप्पल में, तो क्यों दो चार जूत और मार दे सुसरे में। पिताजी ये बात अच्छी ना है। अच्छा मेरा ब्याह हो रहा, मेरी बहू क्या सोचेगी? बुला रहे सी बहू को, ये भी पूछेंगे क्या सोचेगी। भाभी आइए एक बार, साली बिहारी ससुराल तक बात जाऊ। साड़ी को बुला तू पहले, पहले तेरा साड़ी का हिसाब करवाऊ। साड़ी को बुला तू पहले, छोड़ी साड़ी का हिसाब करवा। रुक। अच्छा वोट ले जा, वोट ले जा। छोड़ी से छोड़ी निकल दे बेटा। ठीक है क्या हो गया? होगी तेरी टेंशन पूरी, ये खूब आराम से पांव फैला के सो। ए तेरी खुल रही के तेरी तेरी साड़ी की ओट ले हूं खजाओ। घर का नाश ते साल भर, कोई बात नहीं खुल। चल बैठ जाओ अब चैन से, बहुत हो गया बैठ जाओ। माँ मैंने पहले भी कही मेरी बहू क्या सोचेगी, तब मेरे पास उठा जा रहे बार बार। चल कोई बात नहीं बेटे, से ले जा जल उठा दे अंदर जा। कहाँ पियाया पता ना, पीता तो ना आज पिया दी होगी किसी ने। हाँ यू बात अच्छी ना पिताजी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इसे एक पैक और दे बेटा, आँख से खुल जाएगी इसकी। प्यादी होगी सर, हम ना प्याता कोई।
पियोड़ के मुंह ना लगा करते हैं। उसे तो नशा हो रहा, नशे में तमें ऊक चूक बोल जा, फिर क्या करोगे? अच्छा बोल जाएंगे यार, ये बोल जाएंगे और के, जिस बालक के शर्म नहीं रहती वो कुछ भी बोल सकता है। पी का आ गया बाप का आ गया, और मुंह बहस कर रहा थारी गेल तो बेकार है, फिर कहनी। इब चुप हो जाऊं मैं, कुछ ना कहूं इस नाश को, ते को देख लूं मैं। पिताजी तुम तो गरम होते रहो, अभी तुम फावड़ा मार देते। जाओ हो जाओ गुड़ी। इसे चल बेटा जा, यो हमारे घर की बात सारी सुना है, खड़ी हो गए। घर है गई, घर बता रही, घर की इंगित लग रही। तुम चुप हो जा, मेरा दिमाग फट जाएगा तुम्हारी बात सुन सुन कर। मैं वैसे परेशान हूँ, बोलो ना, तुम जा रहे चुप रहो बस। ठीक है तू दिमाग करो छेड़ा सा, डांगरों का देख लो ना यार, फूस हुआ ना हुआ उसे छोटे को गाड़ दो, वही कर देगा। मैं कुछ नहीं कर रहा ना, कर रहे तो बैठ ले। अजी अजी सुनो तो सही। बता क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? मन्ने तेर से सोबे रखे रखी है, मुझे रोके टोके मत करे। क्यों, मेरा इतना भी हक ना मैं पूछ सकूं तुम्हें? अरे तेरा हक है, कहीं गलत काम पे ना जा रहा हूँ, अपने काम से जा रहा हूँ कहीं। पता है मुझे कितने काम करके आते हो तुम शाम को? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, बता दिया मन्ने। क्यों? सारा मुहूर्त खराब कर दिया, पूरे मुंड की ऐसी तैसी कर दी तन्ने, इतना बढ़िया नंबर दिमाग में आया। कुछ गलत कह दिया मैंने? अरे तू चुप रह कर। चले गए, पता नहीं कैसे हैं। पिताजी ने इतना डांटते हैं सुबह शाम तक, फिर भी इनकी समझ में नहीं आता। पता नहीं कौन सा नंबर लगाने के चक्कर में घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या ही होगा इस घर का। अरे थोड़े पैसे कमाए तो घर भी अच्छे से चलेगा, पता नहीं कैसे करके मान। एक तो पिताजी इतना गुस्सा। अरे माँ। हाँ के कर रही तू? पानी पियाया भैंसों को? अरे पानी तो पियाया, मैं कह रहा एक बार पिताजी से बात कर ले, मेरे से नाराज हो रहा हो। तो काम ही ऐसे करे नाराजी वाले, आएंगे कुछ। चल तुम्हें तो कुछ और लगता ना मिला के, मेरा सौ लोडो पड़े दिखाओ, छोड़ दो। हाँ ले पकड़, तू अपना हिसाब कर पहले। इस छोरे से क्यों ना बोलते तुम, मुंह फुलाए पड़े रहे हो हर वक्त। मैं ना बोलता? हाँ काम करे ही बोलने के बैठ जा रहेंगे, उनको खोजा बैठन दो से भी। हाँ यही आ जाएगा ना आगे नहीं गया। अरे परे को सरक जाओ, उल्टी बात मत करे करो हर वक्त, हर टाइम जली के डंडे सी बात करें। हाँ बता। क्यों नहीं बोलते तभी छोरे से? तैने बता रहे क्यों ना बोलता? हाँ कह रहा है। हाँ। माँ बाप को ना बोलता मेरे से? बोलने के काम नहीं कर रहा है, नंबर तो लग रहा होगा। जा पिताजी मैंने छोड़ दिया यू काम। छोड़ दिया? छोड़ दिया, मैं मान ली तसल्ली। पिताजी देख ना रहे पेट भी कम हो रहा अब। अरे इस पेट तो हो जाएगी क्या मेरी तसल्ली, मेरे जीते तसल्ली होगी। छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दिया। करो और खाओ। हाँ छोड़ दी तो अच्छी बात है, मुझे तो बढ़िया ही लगेगा छोड़ देगा। मैं चाहूंगी तू पीर, तू सट्टे लगा और सारे काम कर। चल ठीक है छोड़ दीजा। तुम तो हर टाइम जलील वाली बात करो, जलील सा करो। सम्मानित करूं तजे, गांव को ले जाऊं तजे, देख भाई यू है मेरा छोरा, रोज लावे सट्टे, रोज भी मैं ये बात। चल चलो केड़े, चल गाल में कुछ सबे कम्मा। पिताजी गाल में किसी की हिम्मत ना कोई बोल जा। अच्छा सबको पता है कितना संस्कार आदमी हूं मैं भाई। ये संस्कार आगे ना बढ़ावे घर में, इन्हें यही रोक ले अपने दोरे ही, बहुत बढ़िया संस्कार है। एक तमने यू बहू ऐसी लाके दे दी, मेरा जन्म दुखी रहे इससे। बहू का कह रही है तुझे?
मेरा जी ऐसा करे ऐसा घर से बाहर काट दूं। इसे काट अपनी माँ को घर से बाहर। क्यों माँ को क्यों काट दूं? बहू को काट दूंगा। आप करें कर ले इसकी बात पे यकीन। सरे करे करे को खोदे। अरे पिताजी सट्टे की बात अलग है उसकी बात अलग है। एक ही राख ने अलग क्यों कर रहा? खूब लगा तू हम रोक नहीं ना रहते थे। पिताजी फिर फालतू वाली बात कर रहे हो। अरे तो बहू क्या कह रही है तुझे? अरे माँ इनके समझ में क्यों ना आती है? वैसे रोक के तो रोक के क्यों तो और के तुझे लुगाई की जात उतारो के पियर सट्टा भी लगा। अरे रोकती ना तन्नक से कहीं को बाहर चला जाऊं गैल फोन करे गैल वीडियो कॉल करे क्यों कोई हिसाब ना होता। तेरा डिस्टर्ब हो जा है? चल हम कह देंगे फोन ना करे ना नू बुझे कहाँ गया कहाँ आया नू ही तो कहना भैया मेहरबानी तो पूछेगी जब जावेगा तब। तुम समझते क्यों ना हो? मदन नू ही समझाना है कि तू मैं सट्टे लगाऊं सारे काम करूं तू ना रोक के जाना रोकने का जा। पिताजी थारी बात अलग है पर ऊ काहे को बीच में टांग डावे उसके टांग काट दूंगा तेरे बच्चे कर दूंगा तो उसके ढगू लगा भी पड़ा। खड़े हो जा एक बात बता झांक ना जाइए यहां से पहले हुई कटेगी मेरे पे बता रहा हूं मैं तुम्हें। चल पक चलिए चल पक दिमाग खराब कर जा भाग जा आने का ना हो शाम को घर। नहीं आना आना ही नहीं हम कह रहे इस बात को तो नहीं आना दिमाग खराब कर रहे और मारे पूछ रहे आना नहीं आना झांक ना जाइए चल। अरे साड़ी लत्ते वत्ते भी चेंज कर लिए कहाँ को चली जा रही दीदी के पास। अरे दीदी के पास तो तू जाती रही है आ जा तुझे गांव में घुमा कहाँ को। अरे अमरूद के बाग में चल रहे अमरूद खुआ तुझे दीदी को तो बता दू। अरे दीदी को बताओगी वो जानना दे आ जा तू। हाय हाय तेरी स्माइल। एक काम कर हाँ? बाग में तुझे बाद में दिखाऊंगे पहले तुझे झूले पे झुलाऊंगा बहुत टेढ़ी तरीके से देख तुझे कैसे झुलाऊं ठीक है। तेरी स्माइल सीधा वार करे कलेजे पे देखे बालक कैसे झूल रहे हैं उस पे ही झूल लेंगे हम पहले किस पे देख जिस पे ये दो झूल दे ठीक है। ए पट्टी खुशी हो रही आज तो है तेरे लाला चढ़ जाए इस पे कोई गिरूंगी तो ना ना कैसे गिरन दे रहा हूँ मैं मजा आ रहा है ना ऐसी झुला दूँ मैं तेज मत करना तेज ना बाबू के लग जाओगी। आए, आए, बुल्ले जी तो आ रहा होगा तो हाँ एक बात क्यों बोला बहुत बढ़िया लग गया तुझे सच में हाँ बस कल तो छोसा आ गया हूँ जब गुस्से में लग गई मेरे तेरे तो ना लगी गई ना मेरे ना लगी आए, लगनी भी ना चाह ज्यादा तो ना लगी ना कहीं ना लगी वैसा मजा तो आ रहा बहुत। एक बात क्यों बोले कोई इंग्लिश में कहते ना आई लव यू अच्छा अच्छा ना इसका रिप्लाई चाहिए मुझे ऐसे ना तुम वो देख के हंसी बढ़िया कुछ नहीं आवाज ना ही मुझे नहीं दे नहीं या का मतलब तू करती ना शर्मा तो गई इसका मतलब पक्का चल बहुत झूल लिए अब वहाँ चल दे ठीक है झुआड़े पे हैं आराम पे हाँ आराम से यहाँ को बैठ ठीक अच्छा तू मुझे नु बता कैसा लगा मैं अच्छे सच्ची में एक बात क्यों बोलो तू भी मुझे बहुत अच्छी लगे सच में हाँ झूठ तो नहीं बोल रहा झूठ कैसे कह दूँ मैं बाबू है मेरा एक बात बता ब्याह कर लेगी मेरे ते पिताजी से पूछनी पड़ेगी पिताजी से अपने आप पूछ लेंगे साड़ी तू मेरी ब्याह तो हो ही जाओगा मतलब भाई की फिर पक्का मान लो कल पिताजी आ रहे हैं सुबह कल आ रहे हैं हाँ। अभी पक्का ना पता कल आ रही पिताजी आए तो उनसे बात कर लेना उनसे तो मैं बात कर लूँगा पर तू तो कर लेगी ना हाय शर्मा की चल
आ जा चल भाई। तेरी हंसी। हाँ भाई भारत भूषण, सब गांव में ठीक ठाक तो चल रहा? बस सब ठीक ठाक चल रहा प्रधान जी। जब तक आप हुए पर एक समस्या बस, है। मैंने कहूँ आप अगले साल भी हो जाओगे अगली योजना में। अच्छा, पर हमारी एक समस्या ऐसी है, ये मेरी की मतलब सभी की है भाई, आप देता है गांव के आपके, अगर यहाँ के नलका लग जाए बाहर बाहर दूर दूर लोग के लोग आ गए भाई, हर आदमी मजे ही कह रहे क्यों मैं यहाँ रहूं। बिल्कुल, तो होका भी आओगा ताऊ तेरा, अभी पहले गांव की समस्या का समाधान कर दूं, ठीक है? अच्छा अच्छा, तो और बता, और तो कोई परेशानी नहीं? और तो कुछ परेशानी, बस काम को करवा दो। अब के योजना आई और अब के पहला नलका देवताओं पे लगेगा भाई, ये हो जाए तो मैं नो कलेश कट जाएगा और लोग है ना बस फिर समझो बस आपका ही बेड़ा पार। बस ठीक है, ठीक। वो भारत भूषण भाई एक जरूरी फोन आ गया, मैं एक फोन सुन लूं। दो दो मिनट में अभी आया मैं ताऊ। हाँ अभी आया। तू रोवे मत बेटा, देख मेरा दिल भी कमजोर है, तू रोवे ना बिल्कुल भी। चल ठीक है बेटा, मैं एक दो दिन में आऊंगा और तू रोवे ना, और तू आराम से कोई दिक्कत ना मानने, आराम से रहो और मैं आऊंगा बात करूंगा चौधरी साहब से। अरे लाली तेरी बहन आ रही थी, कहाँ गई है? हाँ जी माँ जी। मगर तेरी बहन ना दिखाई दे रही, कहाँ गई है? माँ जी वो खेत पे है देवर जी के साथ में, आती होगी अभी। चलो घुमा लाएगा खेत पे, बता देगा हमारा खेत यहाँ तक। माँ जी रोटी ले आओ आपके लिए। ना अभी ना कर रहा जी, बाद में खाऊंगी। चलो तो आराम कर लो आप। राम के गैसी बन दिया आज, पता ना क्या हो रहा। नमस्ते, घूम आई खेतों पे? जी लगा? वो भी दिखा का आया, वो झूला। अच्छा वहाँ पहुँच गए तब एक्सरसाइज पे? हाँ मम्मी। बेटी कोई दिक्कत तो ना हुई तुझे? नहीं मौसी जी कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे वो कहाँ है बड़े वाले की भी पता है कहीं? कहाँ फिर रहा वो धक्के खाता? माँ जी थोड़ी देर पहले आए थे वो और मुझे इतना मारा पीटा और बुरा भला कहा और फिर चले गए, दारू पी रखी थी उन्होंने। माँ जी मर गया होगा आज फिर दारू पे, इस छोरे ने भी जन्म ही दुखी कर रखा। सही क्या है इसका बापू, इस पर सही जूत बजावे है, यू है ही जूते इनके लाख। कम वक्त जूती से पीटता रहे और धक्के मार मार के सब बाहर भी निकाल लिया, पर इसका नहीं शर्म रही बिल्कुल। क्या करें छोरे ने तो जन्म दुखी कर दिया। चल तू टेंशन मत ले, अपना रोटी करो खाओ, देखेंगे जब आवेगा तो डकार के। माँ बिगाड़ी इतना रखा, छूटी घनी दे दी तन्ने। मैंने बिगाड़ रखा? ऐसा मारूंगी कनपट्टी पकड़ दी तुझे, बताऊंगा भी तन्ने बिगाड़ रखा। मैंने क्या रखी इसे, तो तू मुंह को पी का आया, हाल तो बोल रहा। और हाँ माँ जी मुझे ना आपसे एक बात भी बतानी थी, बतानी तो नहीं चाह रही थी लेकिन बतानी पड़ रही है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को फोन कर दिया, जब हद से बाहर बात हो गई मम्मी जी उससे सहन नहीं हुआ इसलिए मैंने उन्हें फोन कर दिया। अरे बावली तन्ने क्यों फोन कर दिया, उसे बेचारे को टेंशन दी है, हैं? ये तो घर में चलती रहे हैं उतार चढ़ाव नोक झोंक। पर माँ जी उनकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। चलो रोटी टुकड़ा कर ले जाओ। बताओ जी अब बाप को फोन करके बैठेंगे कोई बात है, है? अरे वो क्या हमारे घर की समस्या हल करेंगे, जब भी हम ही करेंगे, रिश्तेदारों से कभी कोई समस्या हल ना होती है। बाप को बुला के बैठेगी, बुला ले भाई, सुधर वाले उससे सुधरता हो तो। भाई चौधरी साहब हम जो है अपनी छोरी को लेकर जा रहे हैं, चूंकि तेरा छोरा नहीं है दिल्ली का बिल्कुल भी। एक लाख रुपए की बात है बता दी, बतवा तो हम ही होती पहले, एक दिल्ली का नहीं, एक नंबर का सटैल, एक नंबर का नशेड़ी, चोरी भी करता होगा जरूर। तू मर जा। बतान क्यों नहीं देती? नहीं बता मत या भाग नहीं जागी के, और यह बढ़िया बात है यू ले जा अपनी को, उसका क्या भरोसा है सटैल का।
चौधरी साहब थारी बात बिल्कुल सोलान्य सही। एक नंबर का सटैल, एक नंबर का नशेड़ी और मजे खूब पता ही डाल का आदमी चोरी भी जरूर कर रहा है। तुम ले जाओ बहुत ही बढ़िया। और बस जुकर होना था हो गया, घरों एक मिनट टिकता नहीं, सुनता मारी एक मिनट नहीं, बस अपनी धुन में रह साबित। अब कह ली सारी बात? कहूँ ना क्या ले, बिगाड़ ले से घर को। कोई तो अपने बालकों को समझा करे। अरे समझाने की क्या हो, सदा दिन एक से ही रहे के सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे? देखा था कोई सुधरता है गांव में? 20 घर सट्टे में बर्बाद हो लिए, नशे में हो लिए बर्बाद, उसकी ओट धोंद हो रही पी पी के, उसका लीवर भी बैठेगा, फेफड़े बैठेंगे, सुधर जाएगा वो? मजे दीख गया ना, उसके जूत इतने मारूमा काट गए जिसकी कोई हद नहीं, ईब सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं रही उसमें। बतेरा देख लिया हमने, ये पैनी सिर पर उतर गया बिल्कुल। चौधरी साहब ले जाओ, बस थारा मारा रिश्ता ही हल्लो गई था। चल बेटी तू चल मेरे साथ चल। नहीं नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आज वो बिगड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कल तो वो सुधर जाएंगे ना, और मैं क्यों जाऊंगी ये घर छोड़ के? ये तो मेरा ही घर है ना पिताजी। इस बात की क्या गारंटी है वो आज बिगड़े तड़ के सुधर जाएगा? बेटी जब तुमने सारी बात अपने कानों तक सुनी ली, तू फिर भी यहाँ रहने की बात कर रही, और तू चल यहाँ पे तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ दूं। पिता सुधर जाएगा, जाओ हम कह रहे हैं तो। तू तो होश ही नहीं ले रहा। होश लो, तुम तो होश में, एक वो है उसमें। सुन रहा के तू? सुन रहा हूँ पिताजी। तू भी तो इसी का भाई है, लग जाएगा इतनी 6 महीने पीछे तू भी लग जाएगा पीन खान। मैं क्यों हो जाऊंगा, एक बिगड़ गया तो दूसरा बिगड़ रहा है के? मैं के पागल हूँ क्यों नहीं माँ? तू ही बता, करा मन ने आज तक कुछ ऐसा? अरे तू चुप बैठा ना, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा, मैं मतलब जो भी कुछ है ना, तेरा बाप है, तेरे बाप की वजह से बिगड़ रही है ये औलाद। अच्छी है, एक काम कराए वे उन्हें चार बतावे के चार कराए ये तो वे और ज्यादा कराए फिर, एक काम करे तो डांटे तो वे ना करे इस काम को। मैं लेके गया था उसे एक भाई से सट्टा खेलना सिखा दो, इसे भांग पीनी सिखा दो, ढाल कह रही जैसे भाई स्कूल है, इसका माथा छूट गया तो से इसे रोक लिए, ये भी तो लग रहा है यू बाल देख को डडोरे। मारना फिर इनकी शिकल पे जूता दबा के, क्यों बढ़ा रखे थे लंबे लंबे बाल? अरे मुझे काय को बीच में फंसा रहे हो, ये काय को बुलाए, इन्हें देख लो अपना तो सुलझाया जा रहा, मेरा बिगाड़ रहे हो। तेरा बिगाड़ जूता तो मार देते, जूता मारने का भी टेम निकल गया, टेम पे लगे जूता भी। ओए पूरे ये देखो जान लग रहा सटा है पूरे। हां पिताजी। ये कहीं खतर बुला रखे? अजी मैं क्यों बुलाता, अपने आप आए होंगे। शर्मा नहीं रहा, हंस के बोल रहा जम। तुम्हारा तो हमेशा का यही राग रहा। अरे कहां से आया तू अब? अरे मां मैं यहीं हूं बाहर। जान लग रही है तेरी लुगाई, रोक ले। अजी ऐसे कैसे चली जाएगी? अरे चली जाएगी नालायक, जब तेरे में सैकड़ों ऐप भरे पड़े हैं, ऐसे इनके क्या लुगाई रुक रही है? कभी तू नू जान रख नू ही रह जा वो। अरे पिताजी मैंने छोड़ दिया सट्टा। छोड़ दिया? गलत करा, छुटवा दिया। ओए तू तो तत्ते तवे पे बैठ के कहने छोड़ दिया, मुझे जीव यकीन नहीं आने का था। छोड़ दिया किसी ने सट्टा? आज लो बर्बाद हो गया, छोड़ देगा बर्बाद, नहीं छूट रही सट्टे। तू लगान लगा सट्टा, 2 साल में यू लगान लगेगा, मजे भी लोग सलाह देंगे लगा सट्टा लिखेंगे लाख, एक एक रुपये में घर रीत जा घर, समझ गया के? अच्छा अच्छे बड़े बड़े रीत गे रीत, सट्टे में एक ही रुपया लगा मैं रोजाना, ब्यारा नहीं पटता कहाँ गई इतनी बड़ी विरासत। अरे पिताजी तुम्हारे क्यों समझ में ना आती है, जब मैं कह रहा हूँ मन ने सट्टा छोड़ दिया तो मान क्यों ना लेते हो बात को, समझा मायने? अब जब कह रहा छोड़ दिया तो छोड़ दिया ही होगा, कुछ दिन देखो तो सही। पिताजी तब मैं ना यकीन है तो मैं घर छोड़ दूंगा। अच्छा यू सबूत है सट्टा छोड़ने का, घर छोड़ देगा? मैं नहीं लगाता सट्टा, मैं जाऊंगा छोड़ के। पिताजी तब मैं क्यों यकीन ना है, मन ने सट्टा छोड़ दिया। ऐसा है ये घंटा हो गया थारी सारों की बकवास सुन तो, और मैं अपने लोंडियों को लेकर जा रहा हूँ, तुम खूब सट्टे लगाते रही हो यहाँ, चल बैठती तू।
अजी ऐसे कैसे ले जाओ? कैसे ले जाऊंगा मैं? पिताजी सुनो तो सही, पिताजी सुन तो लो एक बार क्या कह रहे, सुन तो लो। बैठ जाए नीचे, जा सुरते ना बनो। पिताजी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने सट्टा छोड़ दिया। छोड़ दिया? देख ले अगर शिकायत का मौका ना मिल जा। अगर शिकायत का मौका मिल गया तो मैं एक दिन नहीं छोड़ दूँ इसे अपने लौंडिया को। चल बेटी तू चल तो मेरे साथ। अजी इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो महारी है। थारी है? हाँ। देखे चौधरी साहब कैसी बात कर रहा है थारा लौंडा। पिताजी करो ना बात। मरे ससुरे आप ही फैसले ले रहा। कोई बात ना, दोनों की जोड़ी ठीक लग रही है, कर लेंगे भैया, दोनों बहन अपना हंसी खुशी रहूंगी। हाँ तो बताओ चौधरी साहब अब थारा क्या विचार है? बस मेरा कुछ विचार नहीं, इनते पूछ ले विचार, ये सारे विचार वाले ही खेले। तुम रहन दो इन्हें, वाह हमें पसंद आ गई छोरी, हम करेंगे अपने छोटे छोरे का इससे ब्याह। ठीक है भाई जैसी थारी मर्जी, दोनों बहन अपना प्यार से रहेंगी हैं। प्यार में कसर नहीं छोड़ देंगे। बस ठीक है, प्यार ही तो चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है जी, अच्छा तो मैं चलो। अच्छा चौधरी साहब ठीक है, अच्छा जी ठीक चलो है। मैं भी चल रहा हूँ, तुम ही के चलो, मैं भी चल रहा हूँ। अड्डे तक छोड़िए। हम भाई